सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे साथ मुजाहिद जी बने हुए हैं, ये सिर्फ एक ही पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में जब तक थे एक ही पार्टी में थे, जब पार्टी छोड़ा तो राजनीति ही छोड़ दिया। हिंदुस्तान में अगर संगठन सबसे अच्छा था भारतीय जनता पार्टी का ही था, अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, जी तो उस वक्त का दौर अलग था, अभी का दौर अलग है। एक सवाल है सर यहाँ पे कि जो मान सम्मान आपको मनोहर कुमार टेकरीवाल जी ने दिया था, क्या उसके उस समय और अभी के समय में, जैसे अभी तो माननीय विधायक जो अभी आपके मतलब ये अमित मंडल जी हैं, क्या लगता है दोनों में फर्क कितना है? बहुत फर्क है। देखिए, हम अभी भी बीजेपी से नाराजगी नहीं कर रहे हैं, मैं बीजेपी का सम्मान करता हूँ, लेकिन संगठन जो सिस्टम है, हमें सिस्टम अच्छी नहीं लग रही है। को बसंतराय क्षेत्र से एक किसी नाम का मोहताज नहीं, उस व्यक्ति का नाम मुजाहिद है, वो हमारे साथ बैठे हुए, हम उनसे कुछ बात करना चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे ज़िला टॉप में आपका। आपका भी स्वागत है सर। आप किसी नाम के मोहताज नहीं, आप जैसे कि हम लोग कहानी सुनते हैं और जैसे कि लोग बोलते हैं कि मतलब जब से आप राजनीति में आए वो सिर्फ एक पार्टी को पकड़ के रखे थे, लेकिन अब वो कौन सा वो क्षण, वो कौन सा लम्हा था जो कि आप पार्टी को छोड़े तो राजनीति को ही छोड़ दिए? सबसे पहले तो मैं राजनीति में आया, संगठन का काम किया जिला स्तर तक जी। और दूसरी बात, हमारे जो नेता थे इस दुनिया में अब नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पहला विधायक, जब से ये भारतीय जनता पार्टी जो ईजाद हुआ था, पहला विधायक मनोहर टेकरीवाल ही इस गोड्डा धरती पे बना था, वहाँ से राजनीतिक हम लोगों का शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे राजनीतिक में तब्दील हुई, तब्दील होते होते फिर संगठन में कुछ ऐसे भी अमान समान घटना शुरू हो गया, तो फिर धीरे धीरे नज़दीकी हम लोगों का दूरी हो गया। कितना साल राजनीति में आप गुजारे होंगे? 2003 से जो हमारे पहले भारतीय जनता पार्टी के संसद थे यहाँ के प्रदीप यादव, उससे मैं 2 साल पहले से राजनीति में था। फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो संसद प्रदीप यादव बने संसद, फिर 17 या 18 महीनों उसका अवधि रहा, फिर वो संगठन का अच्छा से काम चलाया और करते रहा, फिर हम जुड़े रहे हम लोग। आखिर सर वो कौन सा लम्हा, वो कौन सा क्षण होगा, आखिर राजनीति में आप इतना साल व्यतीत किए, आखिर राजनीति को छोड़े क्यों? और राजनीति को छोड़े तब, जैसे हमको सुनने में आता कि जब पार्टी छोड़ दिए तो राजनीति छोड़ दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे साथ मुजाहिद जी बने हुए हैं, ये सिर्फ एक ही पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में जब तक थे एक ही पार्टी में थे, जब पार्टी छोड़ा तो राजनीति ही छोड़ दिया, क्या सही है कि गलत? नहीं, बात तो बिल्कुल सही है। मैं संगठन का ही जुड़ा हुआ आदमी था ज़मीन से, और संगठन का काम करते रहा, और संगठन अच्छा था, और हिंदुस्तान में अगर संगठन सबसे अच्छा था भारतीय जनता पार्टी का ही था, और धीरे धीरे मान सम्मान घटना शुरू हुआ तो हमारे समझ में आया, चलो भाई जो हो रहा है हो रहा है, अभी जो नया दौर है नया राजनीतिक है, मैं धीरे धीरे अपना। सर एक सवाल यहाँ पे ये खड़ी होती कि क्या मान सम्मान कहीं ना कहीं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जो मतलब सांसद जी हैं वो एकदम डंके की चोट से कहते हैं कि हमें मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान तो कहीं ना कहीं मुस्लिम होने के नाते भी क्या मतलब कम हो रहा था, ऐसा क्या लगता है? देखिए, पहले तो जो हमारे प्रधानमंत्री जो थे पहले मनमोहन सिंह नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, जी तो उस वक्त का दौर अलग था, अभी का दौर अलग है। तो उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मान सम्मान था सबका, और धीरे धीरे राजनीतिक नया आया, नया मोड़ होते होते कुछ ऐसे भी वक्त आ गए, जातिवादी की भी बात हुई, तो संगठन में भी कुछ हमको एहसास लगा ऐसा हो सकता है, तो फिर हम धीरे धीरे अपना राजनीतिक छोड़ के। कहीं ना कहीं ये बात में सच्चाई है कि कहीं ना कहीं मतलब एक मुस्लिम होने के नाते कहीं आपका मान सम्मान उस पार्टी से कम हो रहा था? तो मैं तो बता ही रहा हूँ ना, मान सम्मान ही तो कुछ घटना शुरू हुआ जो कि मैं
धीरे धीरे अपना राजनीतिक, क्योंकि सर देखिए, क्योंकि एक आप पूरी मतलब ये कहा जाए कि मतलब जब तक आप रहे पार्टी में तब तक आप बीजेपी पार्टी के बने रहें, लेकिन आज आपका वही है, जब हम घर देखते हैं, जब आपका देखते हैं, तो एक नेता का सर बहुत विकास, क्षेत्र का विकास हुए ना हुए नेता का विकास होता है, लेकिन सर आपका तो देखते हैं कि घर पे अभी भी वही खपड़ेल का घर बना हुआ है, घर में मतलब वही एक चारपाही पे बैठे हुए हैं। वो तो ठीक है, मैं अपने संगठन का काम किया और समाज का काम किया। सवाल है कि एक सवाल है सर यहाँ पे कि जो मान सम्मान आपको मनोहर कुमार टेकरीवाल जी ने दिया था, क्या उसके उस समय और अभी के समय में, जैसे अभी तो माननीय विधायक जो अभी आपके मतलब ये अमित मंडल जी हैं, क्या लगता है दोनों में फ़र्क कितना है? बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कोई बता सकता है, यहाँ की जनता भी बता सकता है, बसंत राय क्षेत्र के, और कुछ ऐसे भी लोग हैं संगठन के लोग भी कुछ उससे संतुष्टि नहीं है, अब उसकी विचार क्या है तो ही बता सकता है। क्योंकि सर बसंत राय चाहे लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभा के इलेक्शन हो, बसंत राय एक मतलब राजनीति का एक गढ़ भी माना जाता है, और वो भी जबकि आप इतने साल दिए, इतना समय दिए आप इसमें मतलब आप अपनी पार्टी में, तो लेकिन क्या अब उससे क्या लगता है कि मतलब कुछ मतलब राजनीति छोड़ ही देना या फिर मतलब बीजेपी में बने रहना? देखिए, हम अभी भी बीजेपी से नाराजगी नहीं कर रहे हैं, मैं बीजेपी का सम्मान करता हूँ, लेकिन संगठन जो सिस्टम है, हमें सिस्टम अच्छी नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रहा? एक सम्मान दूसरे से घट रहा है, और राजनीतिक यही है कि मैं राजनीतिक नहीं कर रहा हूँ, मैं राजनीतिक छोड़ चुका हूँ, लेकिन विचार मेरा ऐसा विचारधारा बदला नहीं है। बदला ठीक है, मैं अपने मिजाज में ठीक हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे सर, जो हमारे अभी जो यहाँ के गुड्डा लोकसभा के जो सांसद निशिकांत दुबे जी है, वो मतलब वो अमूमन ये देखने में आता है कि बोला जाता है कि मतलब हमें मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, तो एक मुस्लिम के नाते और एक बीजेपी अपनी पार्टी के नाते आप क्या कहेंगे? वो जो बोलते हैं क्या वो कितना प्रतिशत सही बोल? ये गलत है, हिंदुस्तान के सब बोलता है कि नहीं सर, ये तो देखें सुने में होंगे ना। हाँ, तो ये गलत है, लेकिन कहने का मतलब हिंदुस्तान के सब हैं, सब वासी हैं, हर आदमी हिंदुस्तानी है, सबका वोट का ज़रूरत है, सबको मान के चलना चाहिए। राजनीति की यह नहीं कहता है कि ये हिंदू हो या मुस्लिम हो, जिसको जिस पार्टी से पसंद है, जिसकी काम का अच्छा लगता है, उस काम में शामिल होना चाहिए ना। विकास की बात है तो हमारे समझ से पहले से विकास उतना अच्छा नहीं है, जब तक हमारे मनोहर टेकरीवाल जो थे विधायक उस वक्त में जो हमारे प्रखंड का जो काम हुआ था वैसा नहीं हुआ है, और ना हमारे समझ से। नेता तो दावे करते हैं कि मैं इतना कर दिया, लेकिन हमारे ये कहा जा सकता है कि मतलब बसंत राय को सबने ठगने का काम किया। हाँ, ये तो बिल्कुल सच है, चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो, चाहे वो आपकी खुद पार्टी के नेता हो बीजेपी को, क्योंकि माने अभी जो विधायक जी अमित मंडल है, तो अभी जैसे कि मतलब एक युवा है, यूथ को लेके हमेशा बोलते हैं कि चलते हैं, तो क्या विकास के नाम पे बसंत राय को ठगा जा रहा है? नहीं, हाँ ठगा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम क्या, हमारे जनता भी यहाँ के जो हैं प्रखंड के, सभी से आप मिलिए और तब जानकारी होगी, ये जो ठगने का काम किया है तो कर ही रहा है। एक सवाल, आखिरी सवाल होगा मेरा, कि जैसे कि सब नेता आज चाहे अच्छे अच्छे नेता दिखा जाता है कि कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, लेकिन अब तो आप यहाँ इस उम्र तक गुजार दिए, क्या अब लगता है कि अब किसी पार्टी में जाएं हम? देखिए, अब इतनी उम्र नहीं है, मैं नहीं दौड़ना चाहता हूँ, इसलिए धीरे धीरे मैंने अपना बस घर में रहता हूँ, राजनीतिक से रिश्ता थोड़ी हटी है। लेकिन विचारधारा बीजेपी का? देखिए, मैं नाराजगी जाहिर नहीं कर रहा हूँ, मैं संगठन का सम्मान करता हूँ, लेकिन संगठन में सम्मान है ही नहीं। जैसे हमारे नेता, बड़े से बड़े नेता कभी जातिवादी बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन संगठन का जो सिस्टम था उस सिस्टम को बदल चुका है, और उस सिस्टम से हिंदुस्तान में विकास क्या होगा तो बता ही सकता है बड़े नेता। हम तो एक कार्यकर्ता छोटा मोटा प्रखंड के गाँव के थे बस। लेकिन जब आप बीजेपी ज्वाइन किए थे और बीजेपी में हैं, तो क्या जैसे कि आसपास के, जैसे कि पूरा बसंत राय एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो क्या आपको इससे कितना इफेक्ट पड़ा होगा? क्योंकि एक मुस्लिम होने के नाते जैसे कि मुस्लिम बीजेपी में से मतलब थोड़ा सा, तो क्या लगता है उससे कुछ मतलब आपको? हाँ, कि एक मुस्लिम बीजेपी में, तो मैंने बहुत कुछ ऐसे वक्त पर सामना किया, और मैं बताया अपने को
कि मैं संगठन से जुटा हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है। उस वक्त संगठन अच्छे थे और अभी भी ये लोग कहेंगे कि संगठन अच्छे है तो वह लोग समझे, लेकिन हमारे समझ से पहले जैसे संगठन थे वैसे नहीं है। अभी जातिवादी का संगठन चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, जातिवादी में पड़ गया है। लेकिन इंसान यहाँ के हैं, सब भारतीय, सब भारत के हैं, भारत के हक है, सब इंसान वोटर हैं और सबका सम्मान होना चाहिए। आखिरी सवाल होगा सर कि जैसे कि यहाँ विधायक जी अमित मंडल जी अभी जैसे कि मतलब हैं वर्तमान विधायक, दो बार विधायक रहे हैं, ठीक, एक बार अपने मतलब स्वर्गीय मतलब उपचुनाव में रहे हैं रघुनंदन मंडल जी पर, ये अभी तो क्या लग रहा है कि लगातार दो बार से जो मतलब सारी विधायक बन के आ रहे हैं तो उस लहजे से क्या विकास अभी तक हो पाया? नहीं, नहीं, कुछ नहीं है। हमारे बसंतराय प्रखंड में तो नहीं हुआ है, सब ने बसंतराय को सिर्फ ठकने का काम किया, बस। तो हमारे साथ थे मुजाहिद, और अब जैसे कि विकास की बात की तो विकास आप देख भी रहे होंगे कि विकास बसंतराय में कितनी हुई है। बसंतराय को एक राजनीति का गढ़ माना जाता है, और साथ साथ बसंतराय के साथ साथ कोई भी नेता अगर किसी पार्टी में रहता है तो किसी का विकास हो ना हो नेता का विकास होता है। लेकिन एक ऐसे मुजाहिद जो थे जो एक सक्रिय कार्यकर्ता थे बीजेपी के, लेकिन उसका भी विकास आज यही है कि टूटी हुई खाट पे बैठे हुए हैं, वही एक गंजी पहने हुए वही खपड़े के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। हमारे साथ थे कैमरा के पीछे अरशद, और हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहे जिला टॉप। मेरा नाम नवल किशोर कुशवाहा हुआ और मेरा एज 38 साल हुआ। मेरा घर बेतिया जिला के मझौलिया प्रखंड में हुआ। मैं शुगर टेस्ट जहाँ करा रहा था वहाँ से मालूम चला इस डॉक्टर साहब के बारे में, तो मोतिहारी जिला के रामगढ़वा प्रखंड में एक शिक्षक यहाँ इलाज चला रहे थे और वो ठीक हो गए थे, उनके माध्यम से मालूम चला तो यहाँ आए। उस समय मेरा शुगर लेवल लगभग 260 था और उस समय बहुत कमज़ोर भी था, तो यहाँ आके इलाज करना शुरू किया। इलाज लगभग 3 महीना दवा खाए, 3 महीना दवा खाने के बाद अभी हम दवा छोड़े हुए मेरा 2-2.5 महीना हो गया। कभी कभी मिठाई भी खा लेते हैं, खीर भी खा लेते हैं। अभी शुगर लेवल मेरा 105 है सब कुछ खाने के बाद।